हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त मिराज। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे पास ये दो सूट हैं जिसमें से मैं आपको आज पिंक वाला सूट कटिंग करके दिखाने वाला हूं और उसके बाद मैं पैंट भी कटिंग करके दिखाने वाला हूं। मैं एक पैंट की मैंने लाइनिंग कट कर ली है, बाकी की पैंट है मैं कैसे कटिंग करूँगा वो आप देखते रहें। सबसे पहले मैंने पिंक कपड़े को लिया है और आप देख सकते हैं गला बना हुआ है और इसको जो है मैंने पल्ले अलग अलग कर लिए हैं। पल्ले अलग करने के बाद इसका जो भी क्रिंकल है मैं उसे अच्छे से साफ़ कर ले रहा हूँ और उसके बाद मैं गले को एक पैर के मार्जिन से कढ़ाई से मैं कट कर लूँगा। ये मैंने इसलिए कटिंग किया है क्योंकि अगर गला ज़्यादा ब्रॉड हो तो भी हमारा गला कंट्रोल में आ जाएगा और कम ब्रॉड हो तो भी गला हमारा कंट्रोल में आ जाएगा। तो गला कट करने के बाद हम इसको बिछा लेंगे और अच्छे से बिछाने के लिए हम इसको पहले गले को सेट करेंगे। तो गले को सेट कर लेंगे और उसी हिसाब से बाकी का पीस हम सेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं गला हमने पूरा मैच कर लिया है। अब हम इस पर लाइनिंग बिछाएंगे। तो लाइनिंग हमने रफली काटी हुई थी, अब इसका आला वगैरह भी हम इसी में छाट लेंगे। तो गले का जो भी डीप है डीपनेस के हिसाब से आप सेट कर लें। लंबाई अगर कम ज़्यादा आ रही है तो नीचे का जो बॉर्डर लगा हुआ आता है आप उसके हिसाब से एडजस्ट करें, या गला आपका बना हुआ है गला खुल के अगर आप दोबारा बना लगा सकते हैं लंबाई ज़्यादा आती है तो आप उसको वैसे एडजस्ट कर लें। अभी हम जैसे कि ऊपर से सेट करेंगे, लंबाई हमारी लगभग ओके आ रही है। तो अब आप देखें किनारी ज़्यादा है तो हम किनारी को हल्का सा इस हिसाब से रखेंगे कि किनारी हमारी इतनी हो मार्जिन में कवर हो सके। तो आप ये देख सकते हैं हमने कट कर दिया है एक्स्ट्रा वाला। अब हम इसको कट कर ले रहे हैं और हाला भी साथ ही साथ कट कर ले रहे हैं। ये हमारा पूरा पीस कट गया है, चटके उठा लेंगे हम सारे। और जो लाइनिंग का गला है हम उसको भी सेम मैच करके कटिंग करेंगे। ये हम ये साइड का मार्जिन एक्स्ट्रा उठा ले रहे हैं, ये देखिए। अब इसको हम ऐसे करके जो हमने कट किया हुआ है अब हम इसमें लाइनिंग में गला कट कर देंगे। बाकी कढ़ाई अगर हमारी 19-20 है तो हम दोनों साइड हम इक्वल सिलते टाइम कवर कर लेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत तो हमारा सिलाई में भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप से मैंने पूरा काम कर लिया है और ये मैंने बैक के लिए पल्ला बिछा लिया है। बैक वाले में मैं बैक से पल्ला कॉपी कर लूँगा। बैक वाला मैंने साइड में बाजू के लिए मैंने पूरा निकाल दिया है, जितना हमें पल्ला चाहिए हमने उस हिसाब से बिछाया था। और गला डीप के हिसाब से मैंने गला पहले कट किया है और ये हल्का सा छाट के ये हमारी साइड भी कट हो गई है। तो मैंने ये फिक्स कटिंग किया है। आप चाहें अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो आप एक्स्ट्रा भी कट कर सकते हैं और या आप थोड़ा सा मैचिंग का भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कितने कंफर्टेबल हैं। बाकी का जो हमारा साइड का कपड़ा बचा था हमने उसे डबल करके फिर हमने डबल कर दिया है बाजू के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पहले लंबाई रखी है, फिर हमने मोहरी रखी है और ये आरमोल हमने ऐसे रखा है। आरमोल का डाउन हम 3.5 दे रहे हैं तो 3.5 के हिसाब से हमारा साइज वेट है और ये हमें आरमोल की शेप देके हमें कट कर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी आसान तरीके से पूरा पीस कट करके दिखाया है और मैंने हाला भी छाट दिया है, बाजू की मोहरी लिख दी और पट्टी या बॉर्डर जो भी हमें वो भी लिख दिया है। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा जो बॉडी का साइड का कपड़ा बचा था इसको हम बाजू में दे देंगे तो थोड़ी हमारी बाजू भी हाईलाइट हो जाएंगी। तो आप ऐसे थोड़ा सा और हैवी कर सकते हैं, बाजू प्लेन ना दें। अगर कुछ नहीं है तो आप पाइपिंग भी दे सकते हैं, उससे भी बाजू हैवी हो जाएगी। तो हमारा पूरा सूट कट गया है। अब हम ये पैंट कॉपी कर रहे हैं। तो पैंट की हमने एक लाइनिंग में कटिंग कर रखी है एक पीस की और ये हम ये दो पैंटें कट कर रहे हैं और लाइनिंग भी कट कर रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ईजी करने के लिए हमने सिर्फ एक में कट किया था कि हमें अलग अलग ना काटनी पड़े। तो अब हम ये देखिए हमने दोनों पैंट का मेन बिछाया है और एक की जो लाइनिंग नहीं काटी वो बिछा ली है और इसको हम वापस मैच कर दे रहे हैं और हम इसे कॉपी कर लेंगे। अब इससे हमारा थोड़ा सा काम और जल्दी हो जाएगा। अगर हम बिल्कुल अलग अलग कट करते तो हमारा डबल टाइम लगता, बट ये है कि अगर आपका सेम साइज़ है तो सेम साइज़ के हिसाब से आप थोड़ा सा इजी कर सकते हैं कटिंग को। फिक्स कटिंग करने का यही बेनिफिट होता है, आप कितने भी पीस कॉपी करें और एक बार में कॉपी कर सकते हैं। तो ये एक और प्लस पॉइंट है। हम ये चटके उठा दिए, चटका हमने इसलिए उठाया ताकि हमें पता लगता रहे कि यहाँ से सिलाई का मार्जिन है। जो थाइस का हमने चटका लगाया वहाँ से सिलाई लगेगी और जो हमने बेल्ट का चटका लगाया वहाँ से हमारा फोल्ड होगा। अब हम ये बैक के लिए फ्रंट के लिए हम कपड़ा बिछा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने फ्रंट के लिए दोनों कपड़े बिछा के हमने लाइनिंग बिछा दी है और हम लाइनिंग के ऊपर हम ये दूसरी लाइनिंग जो हम कॉपी कर रहे हैं उसे बिछा देंगे। अब हम इसे कॉपी कर ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी आसान तरीके से मैंने पूरा पीस निकाला है और आई होप आपको ये चीज़ें जो नहीं नॉलेज थी आपको थोड़ा सा हिंट मिली होंगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों को सीखने का मौका मिले।
हम मिलते हैं किसी और वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।